इंडिया ने कंपाउंड आर्चरी टीम मिक्स इवेंट में ज्योति सुरेखा वर्मन प्रवीण ओजस देवताले की बदौलत 11वें दिन एशियन गेम्स में दिन की शुरुआत काफी शानदार तरीके से की है। शुरुआत में ही गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। सबसे पहले तो ज्योति और ओजस के डियो ने कोरियन पेयर के अगेंस्ट 159-158 के स्कोर लाइन के साथ पोडियम के टॉप स्पॉट पर कब्जा जमा लिया है। मात्र एक पॉइंट का डिफरेंस था सिल्वर और गोल्ड के बीच में, जहां भारतीय स्टार्स ने प्रथम स्थान तय कर लिया है। तो भाई इसी के साथ एक और गोल्ड जुड़ता हुआ 19th एडिशन इंडिया का सबसे बेस्ट एशियाड बन गया है। 70+ मेडल्स हमने ग्रैब कर लिए हैं। इससे पहले 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में इंडिया ने 70 मेडल्स ग्रैब करे थे, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस था एशियन गेम्स हिस्ट्री में। पर अब हांगजू में इंडिया ने स्क्रिप्ट कर दी है एक और हिस्ट्री, और अब 4 दिन बचे हैं अभी और 100 मेडल्स का आंकड़ा भी पार कर सकता है इंडिया। आज के दिन की शुरुआत इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हरा कर की थी। उसके ठीक बाद 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड इवेंट में इंडिया के राम बाबू और मंजू रानी ने इंडिया को ब्रॉन्ज दिला दिया, शानदार फिनिश किया। फर्स्ट नंबर पर आया चाइना, जिससे भारतीय टीम काफी ज्यादा पीछे रह गई, लेकिन ओवरऑल काफी सॉर्टेड और शानदार परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिल रहा है इंडियन टीम से। ओवरऑल कंटिंजेंट आज के दिन में अगर जो भिड़ने वाला है उसकी बात करें तो स्क्वैश में सेमीफाइनल में दीपिका पालिकल और हरिंदर सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए, और अब अभय और अनाहत सिंह की जोड़ी खेल रही है। आगे दिन जब बढ़ता जाएगा तो एथलेटिक्स से खासा हमें मेडल के प्रॉस्पेक्ट देखने मिलेंगे। आज इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी जैवलिन थ्रो में कंपीट करने वाले। तो भाई ढेर सारा एक्शन मच अवेटेड है, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा खेल नाउ टीवी के साथ, ढेर सारे एक्शन पैक इवेंट्स के साथ।